हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हमने नॉर्मेलिटी के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखा था और उसका रिलेशन देखा था किसके साथ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के साथ। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपका लीटर में आपने लिया है तो आपको इक्विवेलेंट्स मिलेंगे, और अगर वॉल्यूम आपने मिली लीटर में लिया है तो आपको क्या मिलेंगे, किसी भी रिएक्शन के लिए मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले थे, मैंने आपको तीनों बता दिए थे। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट देखा था। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट जो होते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, आपके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट के बराबर। मतलब रिएक्टेंट में जो जो भी रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, काम में आ रहे हैं, उन सब के लिए उनके इक्विवेलेंट, और प्रोडक्ट में जो जो भी प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो रहे हैं उन सब के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, आपके पास बराबर होंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया था। सीक्वेंशियल रिएक्शंस के लिए भी देख लिया था। ठीक है, चलिए बाकी आगे हम जैसे जैसे हम इसको यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दैट इज़ डाइल्यूजन। डाइल्यूजन के बारे में बात करते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूजन। देखिए, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूजन हमने पढ़ा हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूजन। ठीक है, तो मीनिंग क्या है इसका, डाइल्यूट करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, डाइल्यूट करना। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूजन। ठीक है, तो देखिए मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी नॉर्मेलिटी है n1 और उसके अंदर वॉल्यूम है आपका v1। कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है, n1 और वॉल्यूम है आपका v1। आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट किया मतलब इसमें वाटर आपने ऐड किया, वाटर एडेड। ठीक है, और जब आप वाटर ऐड करोगे तो इसकी नॉर्मेलिटी मान लो n1 से चेंज होके n2 हो गई और वॉल्यूम v1 से चेंज होके p2 हो गया। क्लियर है, तो देखिए आपने वाटर ऐड किया इसमें। ठीक है, ये सॉल्यूशन ए था, ये सॉल्यूशन बी हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन आपका बी हो गया। तो इसमें क्या चीज़ है जो चेंज नहीं हुई, आपने इसमें वाटर ऐड किया है, वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट। आपने जो सॉल्यूट है वो तो चेंज किया ही नहीं, उसका अमाउंट तो जो पहले था वही यहाँ पर है। तो हम इसको कह के ऐसा लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन ए विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बी। क्यों, क्योंकि आपने सॉल्यूट तो चेंज किया ही नहीं है ना, सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ी बढ़ाया आपने, आपने सॉल्यूशन डाला है मतलब वाटर ऐड किया है, डाइल्यूट कर रहे हैं उसको, सॉल्वेंट बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्यूट तो जितना है उतना ही रहेगा। तो अगर सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ तो उसके इक्विवेलेंट भी चेंज तो होने वाले हैं ही नहीं। तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन ए विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बी, जैसे हम मोलरिटी के केस में करते थे। फर्स्ट चैप्टर रेडॉक्स आपका मोल कॉन्सेप्ट, उसमें भी हम इसको पढ़ लेते हैं। वहाँ हम काम में लेते हैं मोल्स, क्या काम में लेते हैं, मोल्स, क्योंकि आपने सॉल्यूट चेंज नहीं किया है, इसका मतलब आपने सॉल्यूट के जो मोल्स है वो भी चेंज नहीं किए। ठीक है, तो हम दोनों में सॉल्यूट के मोल्स क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, सेम उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मेलिटी काम में आ रही है, हम किससे डील करेंगे, इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे हम लिखते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से n1 इंटू v1 विल बी इक्वल टू n2 इंटू v2। n1 इंटू v1 विल बी इक्वल टू n2 इंटू v2। सिंपल, क्लियर है। इस तरीके को, इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। ठीक है, जैसे इस पे अगर मान लो मैं आपको इक्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलरिटी वाले केस में भी हम इसको यूज में लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑन एडिंग कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग 1 liter वाटर इंटू 0.1 ml एंड 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करनी है आफ्टर एडिंग 1 liter ऑफ वाटर, वाटर आपने ऐड किया कितना 1 liter इंटू 0.1 ml एंड 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन है फॉर्मूले का, पहले नॉर्मेलिटी कितनी थी 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना था 0.1 ml, ठीक है, विल बी इक्वल टू N2, बाद वाली नॉर्मेलिटी वो तो हमें कैलकुलेट करनी है N2 इंटू वॉल्यूम, बाद वाला वॉल्यूम दैट इज V2। तो देखिए आपने 1 liter वाटर ऐड किया है, तो 1 liter पहले कितना था 1 ml, 0.1 ml, बाद में कितना हुआ 1000 और ऐड किया तो कितना हुआ, ये लगभग 1000.1 ml, इसको हम नियरली 1000 ml लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में 0.1 था, आपने 1 liter ऐड कर दिया, तो 1 liter में आपने 0.1 ml ऐड करो, इतना कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो N2 into V2, वॉल्यूम कितना है 1000 ml। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ml लिया है तो आपको क्या मिलेंगे, इसके मिली इक्विलेंट, अगर आप यहाँ लीटर में लोगे तो क्या मिलेंगे आपको, इसके इक्विलेंट मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम लीटर में लेते हैं, ये लीटर में हो गया, ठीक है, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10^-1 इंटू 10^-1 10^-2 इक्विवेलेंट, और अगर मिली इक्विवेलेंट में निकालना हो तो 10^-2 क्या हो जाएगा -5 मिली इक्विवेलेंट। क्लियर है? नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वॉल्यूम किस में लिया है, ml में लिया है ना, यहाँ पे, यहाँ पर भी ml में लिए, नहीं तो यहाँ पर इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसा कीजिए 1000 ही लिखिए ml में, क्योंकि यहाँ पर भी हमने ml लिया है ना ये, ठीक है ना, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा N2 दैट विल बी इक्वल टू, ये 10^-2, ये 10^3, इस तरफ आएगा तो 10^-3, तो -3 -2 10^-5 हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स, और अगर इक्विवेलेंट पूछ लेगा तो क्या होगा 10^-8 इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं है। क्लियर है, इक्विवेलेंट पूछ ले कोई दिक्कत नहीं, क्या करोगे 10^-3 इंटू 10^-3 इक्विवेलेंट, N2 विल बी कितना हो जाएगा 10^-8 इक्विवेलेंट, दोनों आंसर सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेना। क्लियर, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये नॉर्मेलिटी है, ये ml है, और ये हमारा आंसर है। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर सेकंड टर्म के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के जब क्वेश्चंस आते हैं तब हम उनसे कैसे डील करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो देखिए, मान लो आपको दिया गया है HCl, ठीक है। HCl ब्रेक होता है आपके H प्लस और Cl माइनस में, क्लियर है। मान लो इसका 50 ml दिया हुआ है एंड 0.1 नॉर्मल नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है, ठीक है। HCl H प्लस और Cl में ब्रेक होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, जितने इसके इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इसके इक्विवेलेंट होंगे और उतने ही इसके इक्विवेलेंट होंगे, क्लियर है। HCl के इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, तो 50 × 0.1 दैट इज 5, क्या आएंगे ml है तो मिली इक्विवेलेंट, तो HCl के मिली इक्विवेलेंट होंगे कितने, 5 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर HCl के 5 इक्विवेलेंट है तो H प्लस के भी कितने होंगे, 5 मिली इक्विवेलेंट होंगे। Cl माइनस के भी 5 मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और चीज देखते हैं, H2SO4 ब्रेक होता है आपके 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसमें ब्रेक होता है एक, तो ठीक है। सेम रिएक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, H2SO4 ब्रेक होता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, क्लियर है। चलिए वही 50 ml 0.1 नॉर्मल, ठीक है। मान लो आपको यहाँ दिया हो 50 ml एंड 0.1 नॉर्मल, यहाँ आपको दिया है 50 ml एंड 0.1 मोलर मोलेरिटी, जो हम मोल कॉन्सेप्ट में काम में ले रहे थे वो वाली मोलेरिटी, ठीक है। तो देखिए मोलेरिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो इसके मोल्स कितने होंगे, वॉल्यूम इनटू मोलेरिटी, इसके हो जाएंगे 5 मिली मोल्स, क्लियर। 5 इक्विवेलेंट होंगे इसके मिली इक्विवेलेंट, तो इसके क्या हो जाएंगे, 5 मिली मोल्स। अब यहाँ पे कितने हैं, ट्वाइस ऑफ एच प्लस है, तो 5 से ये कितना बनेगा आपके पास, 10 मिली मोल्स बनेंगे, क्लियर है। और ये कितना बनेगा आपके पास, 5 मिली मोल्स बनेगा, क्लियर। डिफरेंस ध्यान रखना, डिफरेंस समझने की कोशिश करना, ठीक है। वो तो हम पढ़ते थे मोलेरिटी के केस में, ठीक है। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट के, यहाँ इक्विवेलेंट कितने होंगे, 5 मिली इक्विवेलेंट। अब इसके 5 मिली इक्विवेलेंट से ये कितना बनेगा, 10 मिली इक्विवेलेंट, नहीं गलत, जितने इसके इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इसके भी इक्विवेलेंट होंगे और उतने ही इसके इक्विवेलेंट होंगे। चीज़ें समझिए, हम मोलरिटी अलग है, नॉर्मेलिटी अलग है, मोल्स अलग हैं, इक्विवेलेंट्स अलग हैं, ठीक है। जब हम इक्विवेलेंट्स कॉन्सेप्ट समझते हैं उससे डील करते हैं, तो हम ये जो कोफिशियंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है, मैंने आपको बताया है, जितने इसके मिली इक्विवेलेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, इसके मिली इक्विवेलेंट, और उतने ही क्या होंगे, इसके मिली इक्विवेलेंट। हाँ, मोलेरिटी की बात आती है तब हम 2H प्लस, क्योंकि 2 टाइम्स मिलते हैं इसलिए ट्वाइस हो जाएगा, 10 मिली मोल्स हो गए, ये 5 मिली मोल्स हो गए। मोलेरिटी में अलग डिफाइन करते हैं, नॉर्मेलिटी में आप इक्विवेलेंट से डील करते हो, ठीक है। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं रहता है आपके लिए, क्लियर है। तो मिक्सिंग के जब भी क्वेश्चंस आए इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में, तो आपको ध्यान रखना है इक्विवेलेंट्स आपको क्या रखने हैं, हमेशा सेम ही रखने हैं सभी के, ठीक है। यहाँ से आप नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में एक रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो आप चाहो तो। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलेरिटी देख लो आप तो, ठीक है। चलो नॉर्मेलिटी हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे निकालते थे, किसमें, लीटर में, क्लियर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे निकालते हैं ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ हमने निकाले, कैसे निकाले, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ से
मैं लिखता हूँ नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम देखें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को, मोल्स से एक रिल इसका फॉर्मूला था, मोल्स और एन फैक्टर का, बिल्कुल सही, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर, बिल्कुल करेक्ट, डिवाइड बाई वॉल्यूम लीटर में। ये जो टर्म मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मोलेरिटी बोल सकते हैं, कैपिटल एम, क्योंकि मोलेरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है या एक रिलेशन आता है नॉर्मेलिटी और आपके मोलेरिटी में, कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलेरिटी इन टू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर, क्लियर, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेशन है, ध्यान रखना है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी नहीं देके मोलेरिटी दे देगा, तो फिर आपको उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्लियर है। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन भी होता है कि मोलेरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर है या नॉर्मेलिटी इंटू मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखने का है, नमन याद रखने का है। क्या याद रखने का है, नमन, न मैं न, नमन, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग में, कि दो टाइप के आपके सॉल्यूशन है मिक्सिंग की आपने, या तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन होंगे या फिर वो सॉल्यूशन होंगे जो आपस में क्या करें, रिएक्ट, रिएक्शन शो करें, ठीक है। तो उनके हम कैसे नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग के अंदर ये फर्स्ट केस क्या होगा, जब आपके पास जो रिएक्टेंट सॉल्यूशंस है वो आपस में रिएक्शन ना करें, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, ऐसे दो सॉल्यूशन लिए आपने जो आपस में मिक्स होके रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम कैसे नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो आपको दिया है 300 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, इसको आपने मिक्स किया किसके साथ, 500 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl, ठीक है। अपने 300 ml लिया 0.1 नॉर्मल HCl, 500 ml लिया 0.2 नॉर्मल HCl, ठीक है। अब HCl और HCl तो आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं, तो मतलब ये आपका नॉन रिएक्टिंग का केस है, ठीक है। तो जब आपको फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी होती है, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट या फिर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी फाइनल, तो हम लिख सकते हैं कि फाइनल में जितने भी आपके इक्विवेलेंट्स बचेंगे डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम, नंबर ऑफ रिजल्टेंट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम जो भी आपका बचा हुआ है, फाइनल वॉल्यूम जो है, ठीक है। नंबर ऑफ रिजल्टेंट इक्विवेलेंट, इसके भी कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट होंगे और आपके इसके भी कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट होंगे, और फाइनल इक्विवेलेंट क्या होंगे, दोनों HCl हैं तो दोनों के एड ही होंगे क्योंकि सेम है, तो इसके इक्विवेलेंट कितने होंगे आपके पास, 300 × 0.1 दैट इज 30, 300 × 0.1 दैट इज 30, प्लस इसके कितने होंगे 500 × 0.2, 500 × 0.2 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना है,
300 + 500 दैट इज 800, ठीक है। यहाँ से आप सोल्व कीजिए कितना आंसर आएगा, 130 + 100 डिवाइड बाय आपके पास कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितनी आ गई आपके पास, 130 डिवाइड बाई 800 एंड। क्लियर है, सिंपल है, 30 + 100 दैट इज 130। इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और यही नॉर्मेलिटी जो है किसके इक्वल है, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के भी इक्वल है, ठीक है ना। एच प्लस के अगर किसी क्वेश्चन में एच प्लस के इक्विवेलेंट पूछ ली जाए या उसकी नॉर्मेलिटी पूछ ली जाए तो वो भी यही रहेगी, क्योंकि एच सी एल से भी एच प्लस मिलता है और यहाँ से भी हमें एच प्लस ही मिलेगा। और ये नेट आपके रिजल्टेंट क्या है, मोलिटी है, आपके नॉर्मेलिटी है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो क्या होगा देखिए, अगर आपको रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालनी है तो सिंपल है, एन वन इंटू वी वन इसके इक्विवेलेंट प्लस एन टू इंटू वी टू इसके इक्विवेलेंट, तो टोटल इक्विवेलेंट आ गया अपने पास, डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, वी वन प्लस वी टू। जैसे हम मोलेरिटी में निकालते थे वैसे ही हम निकालते हैं किस में, नॉर्मेलिटी में। क्लियर है, ईजी है, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ एच प्लस, ठीक है, आयंस, एच प्लस आयंस इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग ऑफ, मेड बाय मिक्सिंग ऑफ 200 ml एंड 0.2 HCl एंड, एक तो ये आपको दिया है, एंड 500 ml एंड 0.1 नॉर्मल H2SO4, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, क्लियर है। दो सॉल्यूशन है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, रिएक्शन नहीं करेंगे, नॉन रिएक्टिंग वाला केस है आपका। नॉर्मेलिटी निकालनी है एच प्लस की, दोनों से हमें एच प्लस निकलेगा, तो जो फाइनल रिजल्टेंट आपको मिलेगी नॉर्मेलिटी, वो आपको एच प्लस की ही नॉर्मेलिटी रहेगी, ठीक है ना। तो वो आप एक बार निकालिए, चलिए स्टार्ट करें। देखिए तो नेट रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या होगी, वॉल्यूम इनटू इसकी नॉर्मेलिटी, इसके इक्विवेलेंट निकाल लो आप कितना आएगा, 200 इनटू 0.2 प्लस 500 इनटू 0.1 कितना होगा, 50 डिवाइड बाय वॉल्यूम है 200 प्लस 500, तो रिजल्टेंट जो नॉर्मेलिटी आएगी कितनी आएगी, ये आएगा आपके पास 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 700, तो 90 डिवाइड बाय 700 या फिर 9 डिवाइड बाय 70 एन। और यही किसके इक्वल होगी, आपकी नॉर्मेलिटी किसके, एच प्लस की नॉर्मेलिटी के इक्वल, क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि ये तो मैंने एक तरीका बताया, बाकी स्टूडेंट को यहाँ घफला जो होता है वो कहाँ होता है कि H प्लस और Cl माइनस, HCl तो दे देगा H प्लस और Cl माइनस, तो इसके इक्विवेलेंट निकाल लिए, 40 मिली इक्विवेलेंट आ गए, इससे बनेगा H प्लस 40 मिली इक्विवेलेंट और ये भी मिलेगा 40 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा H2SO4, H2SO4 ब्रेक होगा आपके ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 टू माइनस में, ठीक है, इसके मिली इक्विवेलेंट होंगे 50 मिली इक्विवेलेंट,
यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, 50 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ और लिख देते हैं आप कितना, 100 मिली इक्विलेंट। तो ये बिल्कुल गलत है, क्लियर है। जब भी हम इक्विलेंट में बात करते हैं, यहाँ हमने 50 लिखा है वो तो मैंने आपको पहले ही सही बताया, लेकिन जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं कि वो 100 ले लेते हैं। जब भी इक्विलेंट की बात की जाए वहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशेंट से अपने को लेना देना कुछ भी नहीं है, हम मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं। वहाँ पे जब हम मोलेरिटी निकालते थे तब हम देखते थे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशेंट, इक्विवेलेंट्स में अपने को नहीं देखना है, क्लियर है। इन सबसे परे है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसीलिए सबसे ईजी है, कोई झोल झाल नहीं है, सबको इक्वल करते जाओ आंसर आता जाएगा। तो इसके 50 इक्विवेलेंट है तो इसके भी कितने होंगे, 50 इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट, और इसके भी कितने होंगे आपके, 50 मिली इक्विवेलेंट्स। तो 40 प्लस 50 कितने हो गए आपके पास, 90। और किसके हैं ये, केवल H प्लस के हैं, क्लियर है ना। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि दोनों के इक्वल हो गए मिली इक्विवेलेंट्स, 90 डिवाइड बाई वॉल्यूम कर दो आपको क्या मिल जाएगी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। अगर ऊपर मिली इक्विवेलेंट है तो नीचे वॉल्यूम भी ml में ही होता है, ठीक है। अगर ऊपर इक्विवेलेंट है तो नीचे भी हमें वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी ये गलती मत करना, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अपना सेकंड केस। यहाँ पर आपके पास रिएक्टिंग स्पीसीज आ जाती है, जो आपस में रिएक्ट करें उनको अगर हम मिक्स करते हैं तो नॉर्मेलिटी का ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए वैसे अगर आप सोचो तो, जैसे हमने HCl लिया और NaOH ले लिया तो क्या होगा। तो देखिए, एक के इक्विवेलेंट और दूसरे के इक्विवेलेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, पहले यहाँ ऐड होते थे अब वहाँ क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो फाइनल बच जाएगा, बस जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी होगी वो उसी की वजह से होगी। अगर एसिड बच गया तो एसिड की वजह से नॉर्मेलिटी होगी, और अगर बेस बच गया तो बेस की वजह से नॉर्मेलिटी होगी, सिंपल, क्लियर। और दोनों अगर आपस में रिएक्शन कर गए कुछ भी नहीं बचा तो फिर सॉल्ट की वजह से नॉर्मेलिटी होगी, क्यों, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो फिर सॉल्ट की वजह से हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ, पहले नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज थी, सॉल्यूशन थे, अभी आपके रिएक्टिंग वाले सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग रिएक्टेंट सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए देखिए, मान लो आपको दिया है 500 ml ऑफ 0.1 N HCl प्लस 250 ml ऑफ 0.1 N NaOH बेस, ये आपको दिया है, आपको एसिड दिया है और आपको क्या दिया है, बेस दिया है। तो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन ये आपको दिया हुआ है, आप लिख भी सकते हो कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर हम रिएक्शन कराएं HCl की किसके साथ, NaOH के साथ, एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, NaCl प्लस H2, ठीक है। अभी देखिए 500 इंटू 0.1 इसके कितने मिली इक्विवेलेंट है, 50 मिली इक्विवेलेंट, क्लियर। NaOH 250 इंटू 0.1 कितने मिली इक्विवेलेंट है, 25 मिली इक्विवेलेंट। तो 50 इक्विवेलेंट में से एसिड और बेस आपस में रिएक्शन तो करेंगे, इसके 25 मिली इक्विवेलेंट को कंज्यूम करने के लिए HCl के कितने मिली इक्विवेलेंट काम में आएंगे, 25 मिली इक्विवेलेंट।
तो जब आपस में इनकी रिएक्शन होगी तो ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा ख़त्म, जीरो। इसका 25 मिली इक्विलेंट काम में आ जाएगा, बचेगा कितना, 25 मिली इक्विलेंट। बस अब जो बचा हुआ है उसी की वजह से आपके जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी होगी। तो आप एन आर लिखोगे 25 मिली इक्विलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, फाइनल कितना वॉल्यूम है, 500 प्लस 750, तो 750 मिली लीटर। मिली से मिली कैंसिल, 25 डिवाइड बाय 750 दैट इज 1/30 नॉर्मल। तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की क्या है, आपकी नॉर्मेलिटी है, क्लियर है। इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आप इसके लिए भी चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो, दैट इज एन आर विल बी मॉड्यूलस ऑफ एन वन वी वन माइनस एन टू वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू। फर्स्ट के मिली इक्विलेंट माइनस सेकेंड के मिली इक्विलेंट, जो भी आएगा मोड आपको लेना है। मोड मतलब पॉजिटिव करने के लिए हमने मोड लिया है, ठीक है। तो आप फर्स्ट इसको ले लेते हो तो मान लो 25 माइनस 50 माइनस 25 आता है, तो मोड में आने से क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 25 डिवाइड बाई 750 आंसर सेम रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला भी आप काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फॉर्मूला वॉर्मूले पर जाइए मत, जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो तो फिर क्यों फॉर्मूले पर जाने का, ठीक है। चलिए ये तो था फर्स्ट केस, ये वाला। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ, HCl प्लस NaOH, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, HCl प्लस NaOH, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, इनके इक्विवेलेंट सेम रखता हूँ। देखिए NaCl प्लस H2 वो वाला केस हम लेते हैं। मान लो इसके हमने लिया है कितना, 500 ml 0.1, तो इसके भी है 50 मिली इक्विवेलेंट सेम लिया हमने। HCl कितना है आपका, 500 ml एंड 0.1 एंड नॉर्मल HCl प्लस 250 ml एंड 0.2 एन NaOH। पहले 0.1 था, अब मैंने क्या किया, 0.2 ले लिया, ठीक है। तो 250 इंटू 0.2 कितना होगा, 50 मिली इक्विवेलेंट। तो इसके भी 50 मिली इक्विवेलेंट, इसके भी 50 मिली इक्विवेलेंट, दोनों आपस में रिएक्टिंग करेंगे, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, जीरो। तो क्या फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जीरो रहेगी या कुछ भी नहीं रहेगी, नहीं। फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी रहेगी जो उसके अंदर प्रोडक्ट है उसके बेसिस पर। प्रोडक्ट क्या है, NaCl एंड वाटर। तो हम देखेंगे फाइनल सॉल्यूशन में अगर 50 मिली इक्विवेलेंट इसके हैं तो इसके भी कितना रहेगा, 50 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। वाटर तो आपका सॉल्वेंट है ही सी, ठीक है। तो यहाँ से हम नेट रिजल्टेंट आपकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे, दैट इज 50 मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 500 प्लस 250 दैट इज 750। तो नेट आपके रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी 25 इंटू 2 टू डिवाइड बाई 30 या फिर 1/15 एन। इस तरीके से आपको नॉर्मेलिटी निकालना है अगर रिएक्टिंग स्पीसीज है तो, ठीक है। इक्वल नहीं है तो जो बचेगा उसके हिसाब से निकाल लो, और अगर मान लो इक्वल है तो फिर जो प्रोडक्ट बचेगा उसके हिसाब से निकाल लो। सिंपल है, कोई ट्रिक ना कोई फॉर्मूला कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड से करो आपके गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट किसके बारे में, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में बात की, ठीक है, और नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग के बारे में बात की, कैसे अगर हम दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को अगर मिक्स करें तो फाइनल जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसकी नॉर्मेलिटी कैसे होती है। इसमें दो केस थे, दोनों हमने कवर किए कि अगर आपके पास जो स्पीसीज है, जो सॉल्यूशन है, वो आपस में रिएक्शन कर जाए या नहीं करते हैं, तो दोनों केस में हम कैसे नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं वो हमने देखा, ठीक है ना। ये हमारे लिए आने वाले लेक्चर्स में इम्पोर्टेंट रहेगा,
ताकि हम क्या कर सकेंगे, जो भी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे उनमें हमें इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है ना, इसलिए हमें इसको पढ़ना और समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और बाकी की जो बातें हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।